कह रहा है टैगोर लिमिटेड ने तुलसी ब्रदर्स से क्या खरीदा है, रनिंग बिजनेस। और बिजनेस खरीदने का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, एसेट प्लस लायबिलिटी दोनों चीजें खरीदना। और यहां दिखने में प्लस है, पर यहां प्लस का मतलब वैसे प्लस नहीं है, क्योंकि एसेट इज अ पॉजिटिव थिंग एंड लायबिलिटी इज अ नेगेटिव थिंग। तो वो वैसे ही मैंने प्लस का साइन लगा दिया है, पर आपके दिमाग में ये प्लस नहीं जाना चाहिए। चलो जरा देखते हैं क्या क्या खरीदा है। हाँ, एक बात और बता रहा है, कह रहा है सब मिलाकर कितने में खरीदा है, 48,000। एनी आइडिया 48 लाख को क्या कहा जाता है, परचेज कंसिडरेशन। कौन बोल रहा है, क्या होता है ये परचेज कंसिडरेशन का मतलब पता है? वैसे परचेज कंसिडरेशन का एक बड़ा सिंपल सा मतलब है, समथिंग इन एक्सचेंज, ठीक है ना, समथिंग इन एक्सचेंज। तो लो जी 48 लाख, इट इज बेसिकली परचेज कंसिडरेशन। तो मैंने जितनी भी एसेट और जितनी भी लाइबिलिटी खरीदी, मैंने सब मिलाकर 48 लाख रुपए में खरीदी हैं। तो 48 लाख वो रुपया है जो टैगोर वाले किसको देंगे, तुलसी वालों को देंगे, हाँ या ना। अब सवाल ये उठता है कि 48 लाख में खरीदा क्या क्या है, देखते हैं जरा। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 25 लाख रुपए की, स्टॉक खरीदा है 15 का, डेटर्स खरीदे इतने के और क्रेडिटर्स खरीदे इतने के। अच्छा एक बात तो है, ये तीनों तो हैं अच्छी चीज़ें, पर ये है नेगेटिव चीज़। तो वैसे इनकी जो सही वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, सही वैल्यू ये तो हम उसे दे देंगे कोई बात नहीं, पर बनता कितना है? अगर मैं एसेट को जोड़ूं, एसेट तो यही है, इनका टोटल कितना बनता है, 48.6। तो टोटल एसेट की अगर मैं बात करूं तो वो बनती हैं 48.6 लाख, और टोटल लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो बनती हैं 3 लाख। तो इसे इसमें से माइनस करना चाहिए ना, कितना बनता है 45 पॉइंट, इसे क्या कहेंगे हम? इतने की एसेट खरीदी, इतने की लायबिलिटी खरीदी, और दोनों को अगर मैं एक दूसरे में से माइनस कर दूं तो इसे क्या कहूंगा, इट इज कॉल्ड नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। अब तुम खुद सोचो, जो मैंने सामान खरीदा ये उसकी कौन सी वैल्यू है जो बनती है? इस सामान की सही कीमत कितनी है, 45 लाख। ओ माई गॉड, पर मैंने कितने में खरीदा है, महंगा के सस्ता, महंगा खरीदा है आपने। तो आपने कितने पैसे फालतू दिए हैं, आपने जो फालतू दिया है उसे आप गुडविल के नाम से लिखते हैं, ठीक है ना। आप जरा इसे यहां समझने की कोशिश करें, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, स्टॉक खरीदा, डेटर्स खरीदे और क्रेडिटर्स खरीदी, और ये वो वैल्यू है जो मैंने उसे देनी है, इसीलिए मैंने अभी उसके नाम से लायबिलिटी क्रिएट की है। और जो डिफरेंस है वो मैंने कौन से अकाउंट में डाल दिया, गुडविल में डाल दिया। अच्छा फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 45,60,000 की चीज़ें 48 लाख में खरीदी, हाँ या ना। सो दिस इज नेट एसेट, दिस इज, दोनों में से फिलहाल कौन सी चीज बड़ी है? अगर मेरी परचेज कंसिडरेशन मेरी नेट एसेट से ज्यादा है, मतलब अगर मैंने चीजें महंगी खरीदी हैं, तो मैं डिफरेंस गुडविल में डेबिट करूंगा। पर बाई चांस मान लो ये 50 लाख होता तो फिर ये केस उल्टा हो जाता। फिर क्या करते, फिर क्या करते, कितने का गैप आ रहा है, 2 लाख। फिर वो 2 लाख इसके अंदर नहीं आता, फिर वही 2 लाख यहां पर कैपिटल रिजर्व के नाम से आता। कुछ पल्ले पड़ रही है बात, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हैं और महंगा खरीद रहे हैं, तो महंगा खरीदने का रीजन है आपको कोई फ्यूचर बेनिफिट नजर आ रहा होगा। फ्यूचर बेनिफिट का मतलब ही गुडविल होता है,
और अगर आप उसे सस्ता खरीद रहे हैं, उसकी सही वैल्यू से सस्ता खरीद रहे हैं, तो वो आपके लिए एक कैपिटल नेचर का गेन है। और कैपिटल नेचर का गेन कैपिटल रिजर्व में ही भेजा जाता है, उसके नाम से एक सेपरेट रिजर्व बनता है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखानी भी है, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी नेट एसेट, नेट एसेट को से क्या माइनस किया, हाँ फिलहाल जो रिजल्ट आ रहा है वो ब्रैकेट में आ रहा है, जो कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितना महंगा खरीदा है, तो वो गुडविल की वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। अच्छा, जैसे ही आप इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे, अब ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है, अगली एंट्री में आपने इसी को डेबिट करना है, और इसे बदले में हम देखो क्या दे रहे हैं, कह रहा है हम इसे 20 रुपये का शेयर दे रहे हैं, और वो भी 20% के प्रीमियम पर। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर निकालो पहले, तभी ये एंट्री पॉसिबल है। 48 लाख डिवाइडेड बाय 24 तो कितने आ गए, 2 लाख। तो अब आप इस एंट्री का अमाउंट कैसे निकालोगे, 2 लाख × 20 ये तो किसके अंदर आएगा, और 2 लाख × 4 ये किसके अंदर रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर, सही है। बिल्कुल पॉसिबल है, एक दो क्वेश्चन वो भी आने वाले हैं। फिलहाल मैंने यहाँ जितनी पेमेंट की है सारी शेयर के रूप में करी है, ऐसा हो सकता है थोड़ा मैंने उसे कैश दिया हो, थोड़ा चेक दिया हो, बाकी का मैंने उसे शेयर दिए हों, और हो सकता है बिल्स रिसीवेबल दिया हो, तो पेमेंट तो किसी भी फॉर्म में की जा सकती है। क्या आगे चले जाएं, ज़रा थोड़ा उस बॉक्स के अंदर रीड करना। हो गया, एक और इंपॉर्टेंट बात, परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं मैं, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ये भी तो नहीं दे रखी, पर ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि मैंने उसे क्या क्या दिया है, तो जो जो आपने उसे दिया है उन्हें ऐड कर दो। जैसे ही आप उन्हें ऐड करेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम ही होते हैं, तो आपने उसे बदले में जो चीज़ें दी हैं उन्हें ऐड करके भी हम परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तक मुझे परचेज कंसिडरेशन नहीं पता चलेगी तब तक मुझे गुडविल या कैपिटल रिजर्व पता नहीं चलेगा, समझ आई कुछ।